गाइस आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन टेक्नो पैथ में। और गाइस मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी इमेज नॉट शोइंग इन HTML सॉल्वड, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ यार ये वर्क कर रहा है, और लेकिन एक हमारे एक व्यूअर ने बोला कि मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा एक नई वीडियो बनाई जाए और उसमें नई ट्रिक बताऊंगा मैं इमेज को कैसे अपनी वेबसाइट में डाला जाए, क्योंकि बहुत बार हम जो भी HTML का बिगनर होता है उसको ये प्रॉब्लम आती है कि HTML में इमेज शो नहीं कर रहा है अपने ब्राउज़र में। तो गाइस ये ट्रिक बहुत बहुत ईजी है, इसमें आपको 3-4 सेकेंड ही लगेंगे या फिर उससे भी कम अगर आप फास्ट हैं। तो इस ये पिछली वाली ट्रिक से भी ज़्यादा ये मतलब बढ़िया है और फास्ट होता है ये ट्रिक, बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, और गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत छोटी वीडियो होगी क्योंकि ट्रिक बहुत छोटी है, मतलब बहुत बढ़िया ट्रिक है और बहुत छोटी है, मैंने बहुत बार बोल दिया सॉरी यहाँ पर मैं। और ये नोटपैड प्लस प्लस VS कोड सबलाइम टेक्स्ट सब में वर्क कर जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एडिटर यूज़ करते हैं आप सब में ये रन कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस हो, VS कोड हो, सबलाइम टेक्स्ट, यहाँ पर मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML बॉडी /body/HTML, यहाँ पर मैं /HTML ओके। तो यहाँ पर अभी मैं इमेज डालना है, तो उससे पहले मेरे को सेव भी करना है फाइल, तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव कर देता हूँ इमेज नॉट शोइंग इन HTML part2.html, और यहाँ पर ऑल टाइप्स करना मत भूलना गाइस, यहाँ पर मैं ऑल टाइप्स कर देता हूँ, कुछ सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सी पिक्चर डालने वाले हूँ, logo.jpg है ये, मैं अगर आपको दिखा देता हूँ ये पिक्चर कैसा है तो आप देख सकते हैं कि ये है मेरे चैनल का लोगो, तो ये डालूँगा मैं अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और अभी मैं इमेज src इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ऐसे डाल दिया। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है, तो आपको logo.jpg जैसी आपने आपको अपनी इमेज में सेलेक्ट करना है, अपने कर्सर लेकर यहाँ पर आपको अपनी इमेज में सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी इमेज होगी उसको आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी पाथ करना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ही नहीं, यानी अगर देखिए अभी मैं हटा के देखता हूँ तो ये ऑप्शन क्लिकेबल नहीं है, आपको अपनी इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कॉपी पाथ में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर src इज इक्वल टू के सामने मैंने 2 inverted comma इसलिए नहीं डाले क्योंकि जैसे आप पेस्ट करेंगे पहले से इन्वर्टेड कॉमा, जब आप कॉपी पाथ करते तो वहाँ पाथ में इन्वर्टेड कॉमा लगे रहते हैं, इसलिए आप हमेशा जब भी इमेज को डालेंगे तो आप src के बाद इन्वर्टेड कॉमा मत डालना, क्योंकि पाथ में जो ये पाथ बोलते हैं इसको, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगे रहते हैं। यहाँ पर मैं Ctrl+S करूँगा को रन करके देखता हूँ, इमेज नॉट शोइंग HTML part 2 ये रहा। तो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरी इमेज आ चुकी है, पर मैं विड हाइट सेट कर सकता हूँ। तो गाइस इससे पता चलता है ये ट्रिक बिल्कुल वर्किंग है, जो भी आपकी पिक्चर उसमें कॉपी पास्ट कीजिए, यहाँ पर src इज इक्वल टू पेस्ट कर दीजिए और रन कर दीजिए, आपको वर्क हो जाएगा। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई बंदा देखता है हाँ ये ट्रिक वर्किंग है तो वो क्या देखता है, कमेंट सेक्शन में जाता है लाइक कितने देखता है। तो प्लीज़ अगर आपका वर्क कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।